जांजगीर के सिवरी नारायण में शराबबंदी व बेरोजगारी भत्ता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम वादे व चुनाव के समय लिए गए सारे कस्मे कांग्रेस सरकार के ढाई वर्ष पूरे होने पर भी धरे के धरे नजर आ रहे हैं, जिस पर जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी सिवरी नारायण में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टेम्पल सिटी सिवरी नारायण के सबरी चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में बैठी कांग्रेस की सरकार सूबे की मुखिया भूपेश बघेल को लबरा सरकार कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी करते हुए शराबबंदी व युवाओं को बेरोजगारी भत्ता जैसे कई तमाम वादे जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव के समय आम जनता को वादे किए थे वो ढाई वर्ष तक पूर्ण हो जाने के बाद भी यह काम पूरा होता नजर नहीं आ रहा है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और धरना प्रदर्शन करते हुए भूपेश बघेल के विरुद्ध नारेबाजी करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश में हम लोगों ने यह कार्यक्रम किया है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और भूपेश सरकार का ढाई साल पूरा हो रहा है और ढाई साल में ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इन्होंने चुनाव में आने के पहले एक नारा दिया था, वक्त है बदलाव का, वक्त है बदलाव का ये नारा दिया था और बहुत से लोक लुभावन नारा दिए थे। उस लोक लुभावन नारा में हमारे छत्तीसगढ़ की जनता, भोली भाली जनता आकर के इनको सत्ता सौंप दी, लेकिन ढाई साल में हम देखते हैं कि इन्होंने वादा कितना पूरा किया। तो छत्तीसगढ़ जनता अब कह रही कि वक्त है पछताव का, कि हम लोग भूपेश बघेल तेरे को मुख्यमंत्री बना करके पछता रहे हैं और तूने जो वादा किया था, बड़े बड़े वादा किए थे, वो वादा आपने पूरा नहीं किया है। उसमें से एक जैसे शराबबंदी है, सत्ता बातें ही शराबबंदी करेंगे, इसीलिए पोस्टर लगाया गया है। और जो वादे हैं, दूसरे वादे हैं कि भाई हम जो है जो महिला स्व सहायता समूह का ऋण माफ़ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं किसी को, जो वृद्धा हैं पेंशन आधारी हैं उनको पेंशन दूंगा 1500 रुपया, किसी को 1500 रुपया नहीं मिल रहा है आज। इसी तरीके से जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं या अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करेंगे बोले थे, चाहे वो रोजगार सहायक हो, चाहे और भी किसी भी संगठन के हों, किसी को ये सरकार नियमित नहीं कर रही है। मैंने वादा बड़े बड़े किया, वो कोई काम किया नहीं, यही बातें हैं खास करके, और ज़्यादा कुछ बातें नहीं है, बस यही बातें हैं। जो वादा पूरा नहीं किया, वादा को पूरा करें और जो अन्याय अत्याचार है उसको मुक्त करें छत्तीसगढ़ से। रेत माफिया है उसको भी, रेत माफिया इनके बड़े बड़े रेत माफिया हैं, हमारे सिवरीनारायण में ही देख रहे हैं कि आप रेत जो है दुगनी भाव में बिक रहा है, लेकिन प्रशासन शासन सब ऊपर से सब बंधे हुए हैं, कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार इसका कार्रवाई करे, प्रशासन अगर बीजेपी सरकार आता है तो क्या इन सब पर अंकुश लगाया जाए? बिल्कुल अंकुश लगाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने दावे की थी पत्रकार सुरक्षा कानून के, लेकिन अब तक हो गया ढाई साल गुजरने को पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं लागू किया गया है। जी, यदि आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आती है तो पत्रकारों को लेकर क्या सुरक्षा कानून? बिल्कुल सुरक्षा दिया जाएगा, किसी साथ में कोई अन्याय नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी इस वादे के साथ में आएगी चुनाव। ठीक है, कांग्रेस की भूपेश सरकार का ढाई साल पूरा हो चुका है और उस ढाई साल में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा क्या हुआ तेरा वादा? भूपेश सरकार ने जो वादा किया था, गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी, शराबबंदी, जो चारों साइड दुगनी रफ्तार से और बढ़ गई है, उसके खिलाफ बेरोजगारों को बोला था बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उनके साथ जो छल किया जा रहा है उसके लिए जो जो कांग्रेस सरकार ने शासन में आने के लिए हथकंडा अपनाया था, सारे आज उनके विफल और झूठे जो साजिश हैं उनको लोग जन जन तक पहुँचाने के लिए युवा मोर्चा द्वारा यह अभियान चलाया गया है और सभी जगह घर घर पहुँच के लोगों को बताया जा रहा है कि सरकार ने कैसे छत्तीसगढ़ के इस ढाई साल को बर्बाद कर दिया और हमारे इस छत्तीसगढ़ जो आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य था उसे 25 साल पीछे कर दिया है। अगर आज हम सब युवा वर्ग नहीं जागृत होंगे तो भविष्य में इसका खामियाजा पूरे परिवार, पूरे युवा पीढ़ी के साथ साथ सभी को देना होगा। इस वजह से आज धरना प्रदर्शन किया गया, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन 1 घंटे का आज उसका समापन है और इस बीच में हमारे युवा मोर्चा के सभी सदस्य आसपास के सब क्षेत्र के काफी संख्या में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। सिवरी नारायण से सुदर्शन मानिकपुरी की रिपोर्ट।